आज की इस वीडियो में हम मौजूद हैं फूड स्टूडियो पर, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर रेस्टोरेंट है। एड्रेस है इसका, जब आप कलंदर या चौक से अंडा मोड़ की तरफ आ रहे होंगे तो उल्टे हाथ पर ये आपको रेस्टोरेंट मिलेगा। गूगल मैप पर भी आप आसानी से ढूंढ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि यहाँ पे चिकन मंचूरियन किस तरह से तैयार की जाती है। अगर आप चाहते हैं कि एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी हासिल करें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक आपको दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक करके आप एग फ्राइड राइस की रेसिपी भी देख सकते हैं। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं चिकन मंचूरियन। इसमें क्या आपने सेम तकरीबन 2 टेबल स्पून ऑयल लेना है। 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है चिकन मंचूरियन के लिए। जी इसके बाद हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट इसमें ऐड किया। दो टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है ना। वन टेबल स्पून है। कैप्सिकम शिमला मिर्च इसमें ऐड किया है। अनियन ये सब क्यूब कटिंग के। आपको इसको अच्छी तरह जो है वो स्टर फ्राई करना है। आपका जितना स्टर फ्राई अच्छा होगा उतनी आपको खाने में इंशाल्लाह पानी ऐड किया है इसको स्मोकी फ्लेवर करने के लिए। जब आप खाएंगे इंशाल्लाह इसको देखेंगे स्मोकी फ्लेवर आएगा। इतना आपने इसमें चिकन स्टॉक ऐड करना है। ये चिकन स्टॉक क्या है? अगर चिकन स्टॉक ना हो तो आप इसके अंदर सिंपली वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। वाटर यूज़ कर सकते हैं। ये चिकन की यखनी है क्या? ये जी चिकन यखनी। यखनी है। उसके बाद इसके अंदर आपने डालना है केचप। चिकन यखनी नहीं हो तो पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप ऐड करना है तकरीबन इसमें आपने केचप ऐड करना है 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून केचप। जी ये इसकी अपनी जो मदर सॉस है केचप हो गई। इसमें चिली सॉस जी वो आपने इसका हाफ यूज करना है। 2 टेबल स्पून यानी हाफ जितना। उसके बाद आपने सोया सॉस यूज करना है 1 टेबल स्पून। सोया सॉस 1 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून आपने यूज करना है केचप। 4 टेबल स्पून केचप है। 2 टेबल स्पून चिली सॉस। 2 टेबल स्पून चिली सॉस है। उसका भी हाफ 1 टेबल स्पून सोया सॉस। उसके बाद इसके अंदर मैरिनेट करना है इसका। स्पाइसी ऐड करती है। स्पाइसेस के अंदर भी व्हाइट पेपर लिया है हमने। व्हाइट पेपर हाफ टी स्पून। शुगर हाफ टी स्पून। नमक भी हाफ। और सॉल्ट हाफ टी स्पून। चिकन ऑलरेडी हमारे पास। चिकन इसका किस तरह से तैयार किया हमने? चिकन भी हमने इसको सिंपली चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं ब्लैक पेपर व्हाइट पेपर। जी चिकन को मैरिनेट करके आप फिर इसको मैदे में कोट करके उसको डीप फ्राई करना है। व्हाइट पेपर ब्लैक पेपर और मैदे में जो है इसको कोट करके डीप फ्राई कर सकते हैं। इससे ये खाते में क्रिस्पी आएगा। और अगर आप चाहें तो वैसे भी जो चिकन होता है नॉर्मल उसको मैरिनेट करके इसके अंदर आप एड ऑन कर सकते हैं। नॉर्मल चिकन भी मैरिनेट करके ऐड ऑन कर सकते हैं। अच्छा चाइनीज़ फूड आप जो भी बनाएंगे उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि आपने जो इसके अंदर वेजीज डाली है ना वो इतनी ज़्यादा कुक ना हो जाए कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब हो जाए। अच्छा ओवर कुक नहीं होना चाहिए। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी फूड के अंदर हम कुक करते हैं उसको प्याज को बिल्कुल ब्राउन कर लेते हैं लेकिन इसके अंदर तकरीबन 50% चलते हैं। मतलब 50% डन 50% अनडन इस तरह से। इस तरह आप देख रहे हैं इसके अंदर एक एक चीज़ बरकरार है। कैप्सिकम ऑनियन ओवर कुक नहीं करना है। जी ओवर कुक नहीं। कैप्सिकम को ऑनियन को जितनी अच्छी आपकी वेजिटेबल सॉस होगी इतना अच्छा आपके इंशाल्लाह वो डिश बनेगी। इसी तरह आपने फिर इसको थिकनिंग एजेंट के साथ कॉर्नफ्लोर को जो है पानी में जो है हमने डिजॉल्व किया और फिर इसको इसमें ऐड करना है। मगर ये खोलते हुए इसमें ऐड करना है। जी आपने ये बिल्कुल फुल हॉट फॉर्म में ऐड करना है वरना ये इसी क्वांटिटी का ध्यान रखें। ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डल गया तो ये बिल्कुल आपस में मिल जाएगा बिल्कुल ड्राई हो जाएगा।
वो आपने इंशाल्लाह जब बनाते रहेंगे तो उसकी फूड प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि किस तरह से आपने इसको कितना आपने थिक रखना है कि आपकी ग्रेवी, आपकी वेजिटेबल्स और आपका जो चिकन वगैरह है वो स्ट्रक्चर इसका बिल्कुल परफेक्टली बरकरार रहे। ये देख सकते हैं इसका थिकनिंग एजेंट का ये स्टाइल है। अगर आप चेक करना चाहें तो आप जब आपके चमचे में लेते हैं तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जा रहा हो, बिल्कुल लिक्विड ही ना हो और बिल्कुल थिक भी ना हो कि ये, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और थिक होने पर जाता है। ठीक है, ये अब तैयार है, ये रेडी हो गया। रेडी चिकन मंचूरियन फ्राइड राइस।